हेलो गाइज, मैं हूं किशन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीजी किशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपने ड्राइव को इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, अपने ड्राइव को लॉक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्पीसी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप जिस ड्राइव को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिस ड्राइव को आप लॉक करना चाहते हैं, उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, लॉक लगाने की नौबत जब आती है जब आपके ये कंप्यूटर घर में हो और बहुत सारा मेंबर हो जिसे ये कंप्यूटर यूज करता है। तो दोस्तों, हम तो कंप्यूटर में लॉक लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सारे मेंबर को ये पता होता है कि इस कंप्यूटर का लॉक क्या है। तो अगर ड्राइव में हम कुछ अपना पर्सनल डेटा रखते हैं तो वो सारे देख लेते हैं। तो इसी से बचने के लिए दोस्तों, हम अपने ड्राइव को इनक्रिप्ट करते हैं, यानी अपने ड्राइव को लॉक करते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ भी यही नौबत होती है तो आप भी अपने ड्राइव में लॉक लगा सकते हैं। तो चलिए, हम ड्राइव में कैसे लॉक लगाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आप किसी ड्राइव को सिलेक्ट कर ले जिसे आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। तो मैं अपना ड्राइव सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐप सिलेक्ट करने के बाद आप कर लेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीसरे स्थान पर, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि टर्न ऑन बिट लॉकर, इसे हम कर लें। ओके करने के बाद दोस्तों, हम इस पहले वाले बॉक्स को ओपन टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जो पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद कर देंगे री इंटर योर पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने लगाया है वो फिर से यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद कर देंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है हाउ डू यू वांट टू बैक योर रिकवरी की। दोस्तों, रिकवरी की का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ। रिकवरी की का मतलब ये होता है कि जब दोस्तों आप अपने ड्राइव में लगाए हुए पासवर्ड को भूल जाते हैं तो फिर ये रिकवरी की ही आपकी काम आती है। दोस्तों, एक्चुअली इसका तो पासवर्ड काफ़ी हार्ड होता है, तो अगर आप किसी ड्राइव में लगा दें उसका पासवर्ड आप भूल गए तो ये रिकवरी की काम वहाँ पर आता है। अगर रिकवरी की आपके पास ना हो तो उस ड्राइव में जितने सारा डेटा है उसे हम खो देना पड़ेगा, क्योंकि ये करप्ट कर जाता है ड्राइव। इससे बचने के लिए रिकवरी की कंपनी ने रिकवरी की का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, रिकवरी की आप कहाँ रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, इसके चार ऑप्शन है, सेव टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में सेव करना, या सेव ए यूएसबी फ्लैश ड्राइव, या आप यूएसबी ड्राइव में रखना चाहते हैं, या इसे सेव ए फाइल बनाकर रखना चाहते हैं, या प्रिंट या रिकवरी की, या इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कर दूंगा सेव टू ए फाइल। क्लिक कर दूंगा इसे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैं इसे कहाँ रखूँगा सिलेक्ट, और मैं इसे फिलहाल डेस्कटॉप पर रखूँगा और मैं इसे कर दूँगा सेव। सेव करने के बाद दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट चलेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे और स्टार्ट इनक्रिप्शन। थोड़ी सी देर लग सकती है दोस्तों, क्योंकि आपके ड्राइव में जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा। दोस्तों, हालांकि मेरे इस ड्राइव में ज़्यादा डेटा तो है नहीं, तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, फिर भी दोस्तों 99.3 हो चुका है, कुछ देर में ये हो जाएगा। दोस्तों, मेरा इंक्रिप्शन हो गया कंप्लीट, इसे हम कर देंगे क्लोज। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।